Today's cue card is, describe a puzzle game that you like to play. You should say what the game is, why you like it, how do you feel about it. Games play an important part in the development of brain, not only in children but in adults too. Though I play both the indoor and outdoor games to keep myself fit and fine, I would like to talk about a puzzle game that I like the most. It is a jigsaw puzzle game. In this game, a player is required to assemble oddly shaped interlockable pieces. Each piece is a part of a picture, which could be of a face, a place, or a scenery. These pieces are usually made of cardboard, wood, or sometimes even plastic. One can easily assemble and disassemble for reuse. I like this game particularly because it is not just a source of entertainment, it provides challenge to the brain also. It helps in improving focus of mind. I always feel refreshed when I play this game. आज के क्यू कार्ड में आपको बताना है उस गेम के बारे में जो आपको खेलनी पसंद हो. आपको बताना है वो गेम कौन सी है, आपको वो पसंद क्यों है और आपको खेलकर वो कैसा महसूस होता है. गेम्स जो हैं वो हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं जो कि हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट में भी काम आती है, ना केवल सिर्फ ये बच्चों में बल्कि एडल्ट्स में भी ब्रेन डेवलपमेंट में काम आती है. हालांकि मैं दोनों तरह की गेम्स खेलता हूँ, इंडोर भी और आउटडोर भी, ताकि मैं अपने आप को फिट रख सकूँ. आज मैं बात करूंगा उस पज़ल गेम के बारे में जो मुझे सबसे अच्छी लगती है. उसका नाम है जिगसॉ पज़ल. इस गेम में खिलाड़ी को कुछ पीसेस दिए जाते हैं जो उसको असेंबल करने होते हैं. उन पीसेस की शेप आड़ी टेढ़ी होती है और वो पीसेस एक दूसरे में फिट हो सकते होते हैं. ये पीस किसी पिक्चर का पार्ट भी हो सकते हैं, ये किसी का फेस भी हो सकता है, या किसी जगह की पिक्चर भी हो सकती है, ये कोई सीनरी भी हो सकती है. ये पीसेस आमतौर पर कार्डबोर्ड के बने होते हैं या फिर वुड के बने होते हैं और कभी कभार ये प्लास्टिक के भी होते हैं. आप इनको आसानी से असेंबल और अनअसेंबल कर सकते हो ताकि आप इस गेम को दोबारा भी खेल सको. मेरे को ये गेम इसलिए अच्छी लगती है कि क्योंकि ना केवल ये एक अच्छी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है बल्कि ये हमारे दिमाग की कसरत भी करवाती है. इससे हमें ध्यान लगाने में आसानी होती है. जब भी मैं ये गेम खेलता हूँ तो अपने आप को काफ़ी रिफ्रेश्ड फील करता हूँ. अज दे क्यू कार्ड विच तुसी दसना है उस गेम बारे जो तुहानू खेडनी पसंद है. तुसी दसना है वो गेम केड़ी है, तुहानू गेम पसंद क्यों है, ते गेम खेड के तुहानू किद्दां दा महसूस हुंदा है. गेमां साडे जीवन दा एक इंपॉर्टेंट पार्ट हन जो कि साड़ी ब्रेन की डिवेलपमेंट दे विच भी मदद करदियां हन, ना केवल यह बच्चों विच बल्कि अडल्ट्स विच भी मदद करदियां हन ब्रेन डिवेलपमेंट लई. हालांकि मैं दोनों तरह दियां गेम्स खेडदा हाँ, अंदर खेडन वालियां और बाहर खेडन वालियां, पर अज मैं गल करूँगा उस खास गेम बारे जो मैं बहुत ही पसंद करदा हाँ. उस गेम का नाम है जिगसॉ पज़ल.
इस गेम दे विच खिडारी नूं कुछ टुकड़े दिते जांदे हन। खिलाड़ी ने उन्हां पीसिस नूं जोड़ के एक शेप बनाउणी हुंदी है, जो कि किसी दा फेस भी हो सकदी है या कोई तस्वीर हो सकदी है या कोई सीनरी वगैरह भी हो सकदी है। ये पीस आम तौर ते गत्ते दे बने हुंदे हन, कई बार ये लकड़ दे भी बने हुंदे हन और कई बार ये प्लास्टिक तो भी बने हुंदे हन। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੀਸਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਸੈਂਬਲ ਅਤੇ ਡਿਸਅਸੈਂਬਲ ਮਤਲਬ ਜੋੜ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੇਮ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੋਰਸ ਹੈ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਸਰਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੇਮ ਖੇਡ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। If you find this video useful, you may consider subscribing my channel so that I can bring more videos like these. Thank you.